अब आया वीडियो में ना, अब वीडियो स्टार्ट हुआ शायद। ओ चार्ज तोड़ गए रे, हेलो गाइज, मैं हूँ आपका क्रोनटेन और आज हम फाइनली हमारा जो गॉड लाइक का बूट कैम है उसको रिवील करने वाले हैं। जो हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स है और जो भी हमारी मैनेजमेंट टीम है, उनको हमने क्या क्या फैसिलिटीज दी है गॉड लाइक बूट कैम पे। तो स्टेप बाय स्टेप हम वो सारी चीजें रिवील करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज पार्किंग से। यहाँ पे हमारे जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उनके लिए कार पार्किंग भी है। एंड देन हम चलते हैं गाइज जिम की ओर। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग में यहाँ पे सारे प्लेयर्स जिम कर रहे हैं। ये जिम में जितने भी सारे इक्विपमेंट्स है इसके बारे में मेरे को इतना कुछ नॉलेज नहीं है। तो भाई इसमें लाला एक जिम करता है, मेरे को ऐसा लगता है लाला थोड़ा करता है जिम में, बाकी सब वीडियो के लिए है ना, सच्ची बताओ। लर्न भी करता है, जिम ट्रेनर है वही आपको सारा इस इक्विपमेंट्स के बारे में बताए। लर्न जिम करता है, लाला जिम करता है, मेरे को इतना पता है। लर्न का इसलिए पता है कि आईएनडी में जिम करता था, मिनी के ऊपर 1.5 करोड़ की। अरे पागल है क्या भाई, कुछ भी बोलते हो, 1.5 करोड़ की गाड़ी थोड़ी है, 50 लाख 40 लाख में आती है भाई। अपना ये लाला जिम करता है और मेरे को इतना पता है, ये लर्न भी जिम करता है, बाकी सब वीडियो के लिए आएंगे। और जिम के बारे में मेरे को देखने, ये है गाइस दिगंबर दादा, हम इनको कहते हैं, ये आपको बताएंगे पूरे जिम के। कीकी स्टार्ट कर दिया जिम, कीकी ने स्टार्ट कर दिया जिम, क्या बात कर रहे हैं बारे में। जिम में बेसिक हमारे पास हर प्रकार की इक्विपमेंट है। की करता है वो बहुत बढ़िया, की करता है तो बढ़िया। कौन कौन कर रहा है भाई? प्रेस है यहाँ पर, मल्टीपल मशीन है, मतलब उसमें लेग प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो पुलअप्स मार रहे हैं पुलअप्स कर सकते हैं, ट्राइसेप बाइसेप। इसको थोड़ा देखो 1.25 पे करते हैं, समझ रहे हो। हर प्रकार के इक्विपमेंट है। सब लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स प्लेयर फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन क्वांटन भाई बोला कि हम लोग पहले फिटनेस पे ध्यान देंगे, बाद में गेम पे फोकस करेंगे। तो पहले हम फिटनेस पे ध्यान देते हैं, जब भी बच्चे को टाइम मिलता है हर बंदा आके यहाँ पर वर्कआउट करता है, और मैचेस होंगे, टूर्नामेंट होंगे, तब लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। अरे वो थक गया, अरे बाप बेचारा मार मार के कहता है इंटरव्यू जल्दी खत्म करवा, मतलब पहले फिटनेस पे ध्यान। अरे भाई गॉड गॉड तेरे को इधर नहीं रहना था, गॉड गॉड भी करता है क्या? एक दो बार पूछा था इसने मेरे को जिम के बारे में, तो शायद करता होगा। ठीक है सर, सही है, कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा। ठीक है कर रहे तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, कर रहे तो मां करना चाहिए भाई, करना चाहिए, बस पंजा मत लड़ो। ये कौन वो कौन था, लर्न था क्या ये, कौन पता नहीं। मां क्या बूट कैंप एंटर करते पहले जिम, अरे बूट कैंप एंटर करते सबसे पहले जिम, फिटनेस बोलते थे। तो जैसे ही हम लॉबी से एंटर करते हैं तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है गाइस लिफ्ट, और पीछे वाला जो रूम है आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा सर्वर रूम एंड सिक्योरिटी रूम। एंड गाइस ये जो आपके पीछे जो वॉल है उसके ऊपर हमने जो ग्राफिटी बनाई है, तो देख सकते हो दिल से गॉड लाइक। एज यू नो ये हमारा हैशटैग है दिल से गॉड लाइक। जैसे ही सारे प्लेयर्स अंदर आते हैं तो सबसे फर्स्ट जिम के बाद लॉबी से जैसे एंटर करते हैं तो दिल से गॉड लाइक पढ़ के बूट कैंप में चले जाते, ताकि उनको एक ऐसा गेमिंग के रिलेटेड संबंध में रह के यार गॉड लाइक को हमें रिप्रेजेंट करके। थोड़ा यार बुरा लग रहा है देख के भाई, बहुत बुरा लग रहा है, एक इंसिडेंट की वजह से साला मेरा वाट लग गया, 6 महीने जिम नहीं करते, थोड़ा 1.5x पे देखते करना है, अच्छे से गेम खेलना है, परफेक्ट, इससे ज्यादा नहीं करते। तो जैसे जैसे हम बूट कैंप में कंटेंट हाउस के ऊपर बढ़ रहे आप देख पा रहे होंगे काफी सारी ग्राफिटी हमने बनाई वॉल के ऊपर। ये हमारी कंटेंट हाउस जो है उसकी लॉबी है, और यहाँ पर भी गाइस लिफ्ट है। एंड जैसे हम हमारे कंटेंट हाउस में एंटर करते हैं तो गाइस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ह्यूज स्पेस है जहाँ पे हम लैंड करेंगे या फिर अलग अलग कंटेंट बनाएंगे, जैसे हमारे प्लेस का शूट हो या फिर कोई ब्रांड इंटीग्रेशन हो या काफी सारी चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं, आप स्पेस देख सकते हो। तो जो कंटेंट हाउस है गाइस यहाँ पे हमने पूरा एयर कंडीशन करके रखा हुआ है ये सारा एरिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिटिंग एरिया है। तो अभी हम चलते हैं बूट कैंप के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पे आपको मिलने वाले हमारे गुरु भाई। तो हे गाइस हम हमारे कंटेंट हाउस की यहाँ से हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर दबा दिया है। और गाइस ये जो हमारी लिफ्ट है ये आपको कैसे लगी बताना, इसको अभी हमने नाम दिया है गोल्डन लिफ्ट, यहाँ ऊपर आरजीबी लाइट्स है वो भी आप देख पा रहे होंगे, रिफ्लेक्शन आपको आ रहा होगा। ये हमारा क्रू गाइस जो हमें बूट कैंप रिवील में हेल्प कर रहे हैं, शूटिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर आपको जो है पूरा हम बताने वाले कि क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है हमारे गेमिंग हाउस में, हमारे बूट कैंप में गोल्डन लिफ्ट ई स्पोर्ट्स के। तो
यहाँ पे गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे गुरु भाई ब्लॉग शूट कर रहे हैं। जब देखो कैमरा लेके पूरा बूट कैंप में पड़ा हुआ रहता है, लेकिन अभी तक रिवील नहीं हुआ है तो बेचारा कंटेंट नहीं डाल पा रहा है। जैसे रिवील हो जाएगा गुरु के चैनल पे काफी सारा कंटेंट आने वाला है। तो गाइस मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है इसके बारे में आपको गुरु बेटर बता सकता है क्योंकि वो हमेशा यहीं पे रहता है। तो गुरु भाई आप जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसको कंटिन्यू करो। डन, अब मैं लेके चलता हूं तुम लोगों को। सो गाइस आ जाओ, तुम लोगों को हम क्रॉन्टन डेन दिखाते हैं जहां क्रॉन्टन एंड अमर स्ट्रीम करते हैं। ये देखो कितना मस्त है। अरे अभी बाहर तो एकदम अंदर आ गए क्रॉन्टन में। तुम्हारे वर्टिकल मॉनिटर लगा है, एक हॉरिजॉन्टल मॉनिटर लगा है, सीपीयू है विद सो गुड स्पेक्स। एंड गाइस एक बार तुम लोग देखो कैमरा कितना खतरनाक लगा हुआ है, माइक कितना मस्त है, हेडफोन एंड एवरीथिंग तबाही एकदम सुपर्ब। एंड गाइस ये सेटअप ना पूरे बूट कैंप में सारे पीसी का, सीरियसली सारे पीसी का। और इधर देखो थोड़ा सोफा है जिस पे विजिटर्स आके बैठ सकते हैं, इधर बिन बैग है, एंड द मेन थिंग दिल से गॉड लाइक का लोगो। सीरियसली ये ना सबसे रिलेटेबल है। सो गाइस आ जाओ तुम लोगों को बहुत अच्छा अच्छा दो ग्राफिटीज दिखाता हूं। पहला ग्राफिटी है जेड का, जो भी वैलोरेंट खेलता होगा सभी को पता होगा इस कैरेक्टर के बारे में, सभी का फेवरेट है, सभी का फेवरेट। एंड ये है दूसरा कैरेक्टर। ये कौन सा कैरेक्टर है भाई? अभी रुकना, ये कौन सा कैरेक्टर है? ये कोबरा बंडल। ओके चल निकल। सो गाइस ये कोबरा बंडल है और मैं तुम लोगों को बाकी का सारा रूम दिखाता हूं, ठीक है? चलो। सो गाइस ये है सीओडीएम का स्ट्रीमिंग डेन जहां सारे सीओडीएम प्लेयर स्ट्रीम करते हैं। जैसे अभी ट्रंक स्ट्रीम कर रहा है, बर्न स्ट्रीम कर रहा है और इधर न्यूट्रिनो स्ट्रीम कर रहा है। और तुम लोग ये भी देख सकते हो सीओडीएम का मर्चेंडाइज रखा हुआ है और यहां गॉड लाइक का बड़ा सा लोगो और ये पूरा का पूरा सीओडीएम का आर्टवर्क बना हुआ है। एंड लास्ट स्लो करो क्या बोलो भाई, 1.25 पे कर देते बराबर है। ये है बाथरूम जो हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। अरे भाई, अरे क्या इसका नाम यार, क्या ब्रोस ब्रोस भूल ही गया। चलते हैं दूसरे रूम में, उनका आर्ट वर्क बना हुआ है। ये है बाथरूम जो हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। अरे अरे जो ऑडियो डाला है एडिटर ने पीछे से। चलते हैं दूसरे रूम में, ब्रोस के साथ कैम हो गया। सो गाइस ये कंटेंट क्रिएटर्स का बेडरूम, आओ तुम लोगों को दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारा बंक बेड्स है, खूब सारा कबर्ड्स है, क्रिएटर्स सारे के सारे इधर ही। 1.5 रखो, 1.5 3x करो। अरे पागल हो गए क्या तुम लोग, 3x में कुछ समझ नहीं आएगा। 1.5 बराबर होते हैं और थोड़े इधर भी सोते हैं। ये है कंटेंट क्रिएटर्स का सेकंड बेडरूम और ये है कंटेंट क्रिएटर्स का स्ट्रीमिंग रूम। आ जाओ दिखाते हैं तुम लोगों को कैबिन बहुत सारे। पहला कैबिन जहां प्रो बैठा हुआ है और हर रूम में ना गॉडलाइक का लोगो भी लगा हुआ है बहुत बड़ा सा। आ जाओ तुम लोग दूसरा कैबिन देखते हैं। दूसरा कैबिन में रोज बैठा हुआ है और स्ट्रीम कर रहा है। ओके ओके ठीक ठीक लॉल वाला स्ट्रीम करा चुपचाप निकाल। लॉल ऐसा वैसा लगता है मेरे को, लॉल थोड़ा निकाल वाला, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? भाव जैसा एकदम फुल एकदम वसूली वसूली भगा ही दिया गाइस। और स्ट्रीम कर रहा है। ओके ओके स्ट्रीम करा लो लॉल, भगा ही दिया गाइस। और फिर इधर स्पाइक बैठा हुआ है। ओके रैंक पुश गाइस, ये देखो हैशटैग 1 पे बैठा हुआ है। सीरियसली ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये देखो खूबसूरत सा गॉडलाइक का लोगो तगड़ा वाला, यहाँ से ना बहुत ज्यादा अगर मेरा रूम खुलेगा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। और ये है सीओडीएम का बेडरूम, सेम हमारे रूम जैसा है, सेम टू सेम। सो चलो अब हम लोग एक्सपेंशन रूम देखते हैं जल्दी से। क्या भाई, अरे रे रे भाई यार क्या हो रहा है आज, लर्न को क्या हो गया भाई। सो गाइस ये एक्सपेंशन रूम, यार कुछ तो भी एक्सपेंशन चल रहा है, आ जाओ देखते हैं एक्सपेंशन। ओहो यार हैवान भाई वैलोरेंट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अच्छा वैलोरेंट का रूम है क्या? और हां वैलोरेंट का रूम है, मैप लगे हैं यहां पे, एसेंट स्प्लिट वगैरह ऐसा बता रहे हैं, एवन बाइंड आइस बॉक्स। हां वैलोरेंट का रहेगा रूम शायद। ये नहीं दिखाना था भाई, ये नहीं दिखाना था। चलो गाइस दिखाने का तो दिखा दिया, फिर तुम बोल रहे नहीं दिखाना था। तो मैंने तुम्हें सारा चीज दिखा दिया, बस एक चीज बाकी रह गया था, वो था फ्री फायर का बेडरूम। और यहाँ पे जैसे तुम लोग देख सकते हो गॉडलाइक का एक बहुत बड़ा सा लोगो है। एंड अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे एक ग्राफिटी है जिसमें सीओडीएम का कैरेक्टर बना हुआ है, बहुत बड़ा और बहुत तगड़ा सा दिख रहा है। और यहाँ पर एक और ग्राफिटी है जिसमें गॉडलाइक का सबसे फेमस पैन करना है भाई, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ये। एंड फर्स्ट फ्लोर का मैंने तुम्हें सारा चीज दिखा दिया, सेकंड फ्लोर का तुम्हें नियो दिखाएगा। अरे डन सो व्हाट्स अप गाइस, आपको जैसे पता है कि गुरु भाई ने सेकंड फ्लोर पूरा मुझे अभी सौंप दिया है बताने के लिए कि कैसे ये फ्लोर पे सब कुछ है। तो राइट साइड पे आप लोग देख सकते हो कि जोनाथन का फॉरेस्ट सेट का ग्राफिटी बना है एंड लेफ्ट एंड राइट वॉल पे पूरा वही है क्योंकि ये बीजीएमआई का फ्लोर है। तो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट जोनाथन के स्ट्रीमिंग रूम में जहां पे वो अभी स्ट्रीम कर रहा रहेगा। भाई साहब ये तो सोया पड़ा है, ओए उठ जा लाल लंगोटी भाई, बाहर जा भाई बाहर जा, उठ जा उठ जा, पेट पे दिया रे सीधा, कितना सोता है तू। सो जैसे आप लोग देख सकते हो गाइस ये जोनाथन का सेटअप है, ड्यूल मॉनिटर सेटअप किया उसने विद डीएसएलआर और ये उसके ट्रॉफी है जैसे आप लोग को पता है उसको जितना पसंद है। ये गॉडेल का लोगो और ये पूरा उसने अपने हिसाब से सेटअप किया है, इसमें बहुत सारी चीजें भी ऐड ऑन करना बाकी आप लोग को पता है। तो इसको क्या बोलते हैं ऐसा, इसको कुछ लाइट्स आता है ना इसके अंदर से, अभी ऑन है ना, ऑन है ऑन है। सो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लाइट्स को, अपने हिसाब से कर लेगा वो। अभी डायरेक्ट हम लोग जाएंगे हम लोग के रूम में जहां पे हम लोग सोते हैं, जहां पे हम लोग ग्राइंड करते हैं, आप लोग को पता है अपनी टीम बहुत ज्यादा ग्राइंड करती है। तो आ जाओ अपन देखते हैं नाच रहा कौन है, नाचे वाला कौन है, कौन है, अरे ये कौन है नाच रहा है, सो एक तो शैडो है गॉड है
वो लाला है, सॉक्स पहन के बैठा है, मतलब वो लाला है, सॉक्स पहन के लाला ही बैठा रहेगा। हाँ वो लाला ही है, चड्डी में लाला ही है, सॉरी शॉर्ट्स में। दूसरा कौन है? ये कौन है? ये कौन है ये जो सामने नाच रहा है? अरे ये कौन है? लीफ लाइट्स बोलते हैं इसको, बियॉन्ड लीफ लाइट्स। ये तो लाला है तो समझ, चप्पल वाला। अच्छा एस्पार है, ओ एस्पार है, लग रहा नहीं, चेहरा नहीं दिख रहा ना उसमें। कैसा नाच रहे रे, बोलता ग्राइंडर रे भाई साहब, वापस एक बार जाके देखते, अब खेलते बैठे रहेंगे, कर रहे सब लोग। हाँ इस पार था दिख गया अभी, दिख गया। हाँ वापिस एक बार जाके देखते, कर रहे ग्राइंड कर रहे सब लोग। हाँ इस पार ही था बच्चा। सो गाइस ये हम लोग का रूल है, लाला पोजीशन क्या है अभी, नहीं थोड़ी देर, नहीं कर रहे ग्राइंड कर रहे सब लोग। हाँ बोलता है तुम्हारा रहेगा बूट क्या मीडियम, मैं मेरा फ्री होके बैठ के खेलेगा जैसा मैं खेलता है। तुम्हारा वीडियो रहेगा, मेरे को लेना देना नहीं अपने स्ट्रीमिंग रूम में, जहाँ पे मेरा सेटअप है एंड शैडो का सेटअप है। तो वो रूम मैंने ज्यादा कुछ इतना डेकोरेट नहीं किया है, आप लोगों को मैं बताता हूँ रूम भी कैसा है। सो मैंने एकदम ये रूम को एकदम सिंपल रखा है, जैसे आप लोग देख सकते हो बेसिक लाइट्स है और ये मेरा दो ड्यूअल मॉनिटर सेटअप, DSLR और थोड़े बहुत से पोस्टर मैंने रखे जो कि मेरे को पसंद है, ज्यादा कुछ ये नहीं फैंसी मेरे को पसंद नहीं है। अभी मैं आपको बाकी रूम दिखाऊंगा, हम लोग ने आपको तीन रूम दिखा दिए। तो अभी लेफ्ट साइड पे है ZigOdd का स्ट्रीमिंग रूम, उसके बाद में मैनेजमेंट का रूम जहाँ पे मैनेजमेंट वाले सोते हैं। सो गाइस ये है ZigOdd का स्ट्रीमिंग रूम। भाई नियो इतना सब कुछ बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड था अभी, तो मेरे को नहीं लगा नियो ऐसा पूरा इंट्रो देगा एकदम मस्त गुड बॉय बन के। ये ZigOdd का पूरा स्ट्रीमिंग रूम है और ये मैनेजमेंट रूम है और यहाँ पे मैनेजमेंट पूरा मैनेज करती है हम लोग की BGMI के लाइनअप को, जैसे आप लोग देख सकते हो। और एक गेस्ट रूम हम लोग ने रखा है, सो यही है हम लोग का सेकंड फ्लोर पे। अभी घाटक आएंगे और घाटक आपको एक्सप्लेन करेंगे थर्ड फ्लोर पे क्या क्या है। सेकंड फ्लोर के बारे में तो आपको नियो ने पूरा का पूरा बता दिया है, अपना मेन गोल जो है उसको देख के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे गेमर्स पैराडाइज द गॉडलाइक अरेना में हम लोग एंट्री करते हैं और सबसे पहले ही आते ही आपको जो अपने लोंडे यहाँ पे सबसे ज्यादा चिल करते हैं पूल पे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैफे बना दिए जो यहाँ पे आपको गेमर्स कैफे, ये अपनी फीमेल्स की लाइनअप है। और ये ग्रिम पाजी आप क्या कर रहे हैं? ग्रिम क्या कर रहे हैं भाई? ये भाई जानते नहीं है तो ग्रिम मतलब CS:GO CODM टीम का कोच है, एंडी में भी थी ना ये लाइनअप, तो मैं सबको जानता हूँ CODM वाले लोंडो को, मतलब बुटिया में साथ में हम लोग भी रहे थे। अल्फा ट्राउट चले, ओके हमारे यहाँ पे भी चल रहे ट्राउट। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा फुटबॉल टेबल है और लॉर्ड भैया यहाँ पे चिल कर रहे हैं, मतलब चिलिंग एरिया है। यहाँ पे अपनी BGMI की टीम ग्राइंड करती है डेली, जितने भी मैचेस रहते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसी, यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है जहाँ पे सारे जो भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गया, वैलो हो गया या फिर किसी भी गेम्स के, तो यहाँ पे वो सारे मैचेस दिखाए जाते हैं एंड देन अपने सारे बाकी की सारी टीम्स यहाँ पे बैठ के वो एंजॉय करती है मैचेस। आगे बढ़ते हैं, ये एरिया मेरे को अच्छा लगा बुटिया में अभी तक, वो ये सबसे अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छे से बना ये अपनी दो साल से हर एक को एक कैबिन है, ब्लॉक कर दो अपना अपना टीम अपना अपना खेलेगा, फिटेड टीम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की जो हमेशा हर टूर्नामेंट जीतता है। और आपने किस नोटिस की कि हर रूम में आपको टीवी दिखेगा, जितने भी मैचेस होते हैं फॉर एग्जांपल इनके मैचेस खत्म हो जाते हैं उसके बाद ये लोग जो खेलते हैं ना भाई CODM वाले, ये लोग जो जब खेलते हुए तुम लोग एक रूम में बैठ के खेलते देखोगे ना इन लोग को, तुम लोग को ऐसी मोटिवेशन आ जाएगा, भले ही नॉन गेम जो बंदा गेमर भी नहीं है ना वो जाके इनको खेलते हुए देखेगा ना, तो ऐसे मोटिवेशन आ जाए। जितना भी एक थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मिलता है एक शॉर्ट एनालिसिस हो जाता है, मतलब कुछ गलतियां हुई है या फिर आपकी कुछ मतलब कुछ चीजें चेंज करनी है तो वहां पे वो स्टडी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमारे दो, ये एक्चुअली फ्री फायर का बूथ है बट अभी आई डोंट नो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कैसा है गुरु? और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जितने भी मतलब छोटी छोटी चीजें, अच्छा ये लाइट्स हो गए, ये ब्रिक वॉल्स हो गए, ये जगह को हम लोगों ने ऐसा बनाया कि मतलब कोई भी अपने मतलब जो ई-स्पोर्ट्स एथलीट है उनको आके यहाँ पे परफॉर्म करने का मन करे, एक डेडिकेशन मिले, मोटिवेशन मिले और आके तोड़े बस यहाँ पे, तो बस यही। और अभी हम लोग चलते हैं आगे अपने अमर भैया के पास, ये अच्छा बनाया है। अच्छा मैं तो गाइस घातक ने आपको गॉडलाइक अरेना के बारे में बताई दिया है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एक फ्लोर के बारे में। तो गाइस जैसे ऊपर आते हैं हम आ रहे हैं अपने गॉडलाइक चिल कैफे में। अरे भाई तो गाइस चिल कैफे में आते हैं हमको दिखता है एक टेबल, अरे इधर तो बोलेगा चल ला भाई जा दो प्लेट लेके आ दो कटिंग चाय, वहां का वैसा सेटिंग कर दिया पूरा पूरा, अलग अलग टीम अपना अपना चार लोग बैठ के खेलो खेलो, चार टीम है तो चार टेबल लगा दिए, इधर से ऑर्डर मारेगा चल चल, जो अच्छा नहीं खेला उसको बोलेगा चल जा ऑर्डर ले गया, जिसमें न्यू प्लेयर्स कुछ न्यू गेम खेलेंगे ऑब्वियसली। भाई ये तो पूरा रूफटॉप दे दी यार, मतलब पूरा रात में इधर बैठ के खाना खाने में क्या ही मजा आएगा। टेबल टेनिस के बाद गाइस इधर हर जगह पे टेबल रखे फॉर डाइनिंग, क्या CODM टेबल, एक CODM टीम एक टेबल पे, गॉड मतलब BGMI टीम एक टेबल पे, BGMI गर्ल्स लाइनअप एक टेबल पे,
फिर और क्या, फ्री फायर लाइनअप एक टेबल में, सब अलग अलग ऑर्डर मार रहे हैं। चल चल ब्रेकफास्ट जो भी है कर सकते हैं इधर, भारी सब भारी है, कर रहे हैं। और इधर गाइस प्रोजेक्टर लगा दिया, मूवीज देखते हैं, उसमें पार्टी वगैरह करते हैं, कुछ सॉन्ग सुनते हैं, वो देखते हैं। इधर ऑब्वियसली गर्ल्स बैठी है गाइस, इधर आते एक सुंदर सुंदर सा व्यू दिखता है जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है बूट कैंप में। इस साइड पे रखे गाइस मिस फैन, जो कि गर्मी में थोड़ा शॉवर, जो नहाते नहीं उनको होता है ना थोड़ा नीड, उनके लिए रखा है लाइक लंबटी। और गाइस ये लास्ट वाला अपना इंडोर डाइनिंग एरिया, एसी में बैठ के खाओ, ये एसी डाइनिंग एरिया क्योंकि बहुत गर्मी में थोड़ा एक चिल। भाई थर्ड फ्लोर बेस्ट लगा मेरे को सबसे। तो आप सभी ने अभी न्यू बूट कैंप देख लिया है, आगे भी बहुत सारे प्लान्स एंड अपडेट्स है आपको टाइम पे मिल ही जाएंगे। आज के लिए बस ओवर एंड आउट, थक गया यार मैं, वो कैमरा लेके जाओ पहले प्लीज। भाई थर्ड फ्लोर सबसे बेस्ट था भाई, तुम लोगों को क्या लगता है? मेरे को थर्ड फ्लोर बहुत पसंद है। आपको इस बूट कैंप के बारे में